दोस्तों, आज मैं बोलूंगा जो फेक कॉन्टैक्ट नंबर डालने से क्या हो सकता है। मेरा एक यूज़र है, वो मेरा एक कमेंट किया था, तो उसके साथ बात भी हुआ था फ़ोन पर, तो वो अपने तरीके से वो कॉन्टैक्ट नंबर वो फ़ोन पर लगा दिया था। उसके बाद जो पेमेंट नहीं किया, तो जो रिकवरी एजेंट था, वो जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसको फ़ोन कर दिया, तो जिस पे फेक नंबर था वो नहीं जानता था ऐसा कुछ होता है, वो उसको फ़ोटो और एड्रेस वगैरह सब कुछ भेज दिया था। तो उन्हें फ़ोन करके इसके धमकी दे दी और बाकायदा रिपोर्ट भी लिखा दी उस जो फेक नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उस लड़के के खिलाफ। तो मैंने भी वो बंदे से बात किया था जो जिसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वो, तो अभी तो समझ गए हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ से दूर रहो तो बेहतर है। और लेना है तो रिकवरी एजेंट को नंबर जो है वो डालो, और जो ग्रुप में है उसका परमिशन लो, उसके बाद उसका नंबर फ़ोन पर ऐड करो, नहीं तो उस वो भी बहुत परेशान हो जाएगा। और एक चीज़ बोल रहा हूँ, और एक चीज़ है जो रेफरेंस नंबर है वो जो अपना जो फ्रेंड है उसका नंबर ही देना है, तो प्रॉब्लम तो समझ जाएगा। और ग्रुप में जो भाई है उसको भी नंबर दे सकते हो उसको पूछ के, नहीं तो उसको भी बहुत तकलीफ हो सकता है।